कहा हरियाणा देश में सरकारी सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन शुरू करने वाले राज्य के रूप में 9 साल पूरे कर चुका है। दरअसल 25 दिसंबर 2014 को पहली बार ये सेवाएं तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्रियों में भ्रष्टाचार को रोकने के मकसद से शुरू की गई थी। आज प्रदेश में 425 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन है, इससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है। इस दिन को प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर 2014 में प्रदेश में पहली मरतबा बीजेपी की अपने बूते सरकार बनने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 महीने बाद ही 25 दिसंबर 2014 को सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन सेवाएं शुरू की थी। आज 425 से ज्यादा सरकारी सेवाएं योजनाएं और लाभार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर का दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती का दिन होता है। इस दिन को हरियाणा में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहला सुशासन दिवस हमने 25 दिसंबर 2014 के दिन ये मनाया था। इस दिन का महत्व जैसे क्रिसमस दिवस इस नाते से तो बहुत सदियों से जैसे मैंने बताया चलता आ रहा है। इसी दिन अपने देश के बहुआयामी व्यक्तित्व, एक नेता जिन्होंने आज़ादी के संग्राम में अपनी भूमिका निभाई, महामना मदन मोहन मालवीय। गौरतलब है कि सबसे पहले ऑनलाइन सरकारी सेवाओं को तहसीलों में होने वाली रजिस्ट्रियों यानी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में शुरू किया गया था। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को सभी जिलों से लाइव जुड़े हुए थे। बहुत कुछ हुआ, क्या अभी करना है सुनिए। कई 9-10 वर्षों के अंदर हरियाणा सरकार के सब लोगों ने मिल के जो इस प्रकार के काम आगे किए थे, एक प्रयास किया था, वो काफी हद तक उसके लाभ मिल रहे हैं, परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन क्या काम पूरा हो गया है? मैं कहूंगा अभी नहीं, बहुत कुछ करना अभी शेष है। कोई कहेगा कब तक पूरा होगा, अब इसके बारे में कोई एक निश्चित उत्तर नहीं बताया जा सकता। क्योंकि सुशासन दिवस का मतलब ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और पारदर्शी सरकारी सेवाएं देना है, इसलिए हर सुशासन दिवस पर अच्छा काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। पानीपत में कई आंगनवाड़ी कर्मचारियों और महिला कल्याण से जुड़ी महिला अधिकारियों को स्मार्ट फोन देकर सम्मानित किया गया। हाँ जी सर, ये ना हमें पोषण अभियान के तहत सभी CDPOs, सुपरवाइजर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए गए हैं। इसमें वो सभी वर्कर है ना, जो पोषण ट्रैकर है हमारा, उस पर काम करेंगे। क्रीड है एक हमारा, बाल संवर्धन है, उसके ऊपर कार्य करने के लिए दिया गया है। सबसे पहले मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके चरणों में नमन करता हूँ। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 का हुआ और वो 1999 से लेकर 2004 तक 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। गौरतलब है कि हरियाणा देश में संभवतः पहला ऐसा राज्य है जो अपनी 90% सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है। जो भी हो, इस उपलब्धि को मील का पत्थर तो मान ही सकते हैं, क्योंकि शुरुआत करने से ही मंजिल के रास्ते तय हो सकते हैं। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।